इस वीडियो को जो थंबनेल देखकर आप यहां पर समझ ही गए होंगे, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि जो BSNL की सिम कार्ड है वो हम यहां पर लेते हैं और उसकी जो सर्विस है अभी भी किस तरीके से काम करती हैं और आखिर जो सिम कार्ड है वो आपको यहां पर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी के साथ में आपको कोड, काफ़ी लोग कोड कराना है सिम के लिए, तो वो करवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए हम यहाँ दुकान पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है BSNL 5G सिम 100 रुपये, 2 GB डाटा और आपको 45 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी, लोकल STD कॉल्स मिल जाएगी अनलिमिटेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दुकानदार से सिम के लिए कहा, उन्होंने 3 हमें सिमें दी हैं और हम इनमें से देख सकते हैं, हमने इनमें से एक नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और वो नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दुकानदार के लिए, ठीक है। ये नंबर हमने अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया है। उसके बाद में घर पर आकर हमने इस नंबर को यहाँ पर ओपन यानी कि निकाला और उसके बाद में हम इसकी जो सिम है वो यहाँ पर निकालते हैं, अपने हैंडसेट में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर यानी कि सबसे छोटी वाली सिम का जो साइज़ है वो आता है, ठीक है। आपके फ़ोन में जिस भी प्रकार की साइज़ की सिम आती हो तो उस खांचे के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी पिन जो कि हैंडसेट के कॉल्स में डालता हूँ, उसके बाद में मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे फ़ोन में पहले ही एक एयरटेल कंपनी की सिम कार्ड है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्पीड वगैरह है वो अच्छी है। तो मैंने सोचा पहले पोर्ट करा लूँ, तो मैंने एक बार दिमाग में आया कि मैंने चलो पोर्ट कराने से पहले मैं पहले एक नया नंबर ले लेता हूँ और उसके बाद में जो नेटवर्क है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 घंटे तो हो चुके हैं और सिम अभी ओपन नहीं हुई है, पर यहाँ पर मुझे लिखा हुआ आ गया है BSNL मोबाइल, ठीक है। तो जो इसकी सर्विस है वो अभी भी ढीली है, क्योंकि अभी अभी जो रतन टाटा जी ने इसमें जो साझेदारी है जो भी कुछ किया है, ठीक है, फिलहाल अभी तो इसकी जो सुविधा है वो यहाँ पर ढीली है, ठीक है, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। और अगर आप इस सिम कार्ड को ले रहे हैं या फिर पोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस बात को समझ लेना है कि अगर आप पोर्ट करा देते हैं तो 90 दिन के लिए तो जो आपका नंबर है वो 90 दिन के लिए BSNL में पहुंच जाएगा अगर आप पोर्ट करा देते हैं तब, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सिम है और ये 5G सिम है, ठीक है। इसी के साथ में इसके जो रिचार्ज हैं वो अलग अलग हैं, जैसे कि 5G 3G इंटरनेट के हिसाब से, ठीक है। पर हाँ, ये बात कहूँगा मैं कि इसके जो रिचार्ज हैं अभी सस्ते हैं, ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ जाएँ, ठीक है, पर अभी तो इसके जो प्लान है, जो रिचार्ज प्लान है वो सस्ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सिम को अगर आप पोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपके एरिया में जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप सिम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आखिर वहाँ का जो नेटवर्क है वो किस तरीके का है और कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब सही सिम वहाँ चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो अभी तक तो जो सिम है फिलहाल तो ओपन नहीं हुई है, यानी कि अभी चालू नहीं हुई है, 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी सर्विस है वो तो सिल हुई है, ठीक है। तो आप लेने से पहले आप एक बार मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक नया कनेक्शन ले लें और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ सुविधा सही है तब आप अपने नंबर को पोर्ट कराएं।